पीटीआई रहनुमा शिबली फराज कहते हैं कि पुलिस ने इलेक्शन कमीशन में जमा कराया जाने वाला रिकॉर्ड कब्जे में लिया है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन में जमा कराने के लिए रिकॉर्ड मुरतब किया जा रहा था। इस कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जाएगा। सारे फ्लोर्स पे पुलिस खड़ी है और हमारे रिकॉर्ड्स भी लेके गए हैं और हमारे कंप्यूटर्स भी लेके गए हैं और जो मैंने सुना है वो उधर गौहर साहब भी और रऊफ साहब को भी ले गए। अब देखें ये जो है जिस तरह का सिलसिला चल रहा है तो ये तो जाहिर होता है कि पाकिस्तान में ना कानून है, ना आईन है, ना किसी की वो कोई सियासी एक्टिविटीज़ की आज़ादी है। अब अगर वो हम लेके वो फाइनलाइज कर रहे थे अपने जो भी हमारे एफिडेविट्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे हमने जमा कराने थे तो बुनियादी तौर पे ये उसको उठा के ले गए कि हमारे जो एमएनएज हैं वो अपने जो एक उनको एक अदालती इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक अपनी जो वाबस्तगी है उसका इजहार करना था लेकिन वो उसी को ही ले गए। तो मेरा ख्याल है कि ये अब मुल्क में कोई जम्हूरियत नाम की कोई चीज़ है नहीं और ये जो हुकूमत में बैठे हुए हैं इनका ख्याल ये है कि इसी तरह की फाशिस्ट तरीके से फस्ताइयत से मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात उसका रास्ता रोका जाए और जो कानून की अमलदारी है ये तो मेरे नज़दीक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।